हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंघाड़े के आटे की पूड़ी बनाएंगे जो व्रत में खाई जाती है और ये बहुत टेस्टी होती है। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। ये सिंघाड़े का आटा लिया है मैंने एक बॉल के करीब, और एक बॉल आलू हैं बॉइल्ड आलू ग्रेट करे हुए, सेंधा नमक, काली मिर्च और ये जीरा बुना हुआ, कसूरी मेथी और ये हरा धनिया, इन सबको मिला के हम आटा गूंदेंगे। सिंघाड़े का आटा डाल दिया है मैंने, और ये उबले हुए तीन आलू हैं मेरे पास, तो मैं अभी ज़रूरत के हिसाब से आलू डालूंगी क्योंकि हमको पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, और आलू में ही हमको गूंदना है आटा। ये हरी मिर्च डाल दी मैंने, काली मिर्च और सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं, ये भुना हुआ जीरा है और ये कसूरी मेथी डाल दी। हमको बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है, सिर्फ आलू में ही हम आटा गूंदेंगे क्योंकि आलू में मॉइस्चर होता है तो उसमें ही आटा गूंद जाता है अपना, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और आलू ले लेंगे बॉइल्ड। और आटा अगर ज़्यादा गीला हो जाता है तो सूखा आटा और मिला लेंगे। अभी इसका मैं टाइट डो बनाऊंगी, ये देखिए बना लिया मैंने। अब इसमें एक चम्मच घी डाल दे रही हूँ, उससे थोड़ा आटा चिपकेगा नहीं हाथ के। और इसको मैं दूसरे बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ, दो तीन मिनट ही रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ढक के रख दूंगी मैं, नहीं तो आटा लूज हो जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, इसको उसी वक्त बनाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सेट हो जाएगा दो तीन मिनट में, जब तक कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। ये आटा सेट हो गया है और अब हम गोल गोल लोई बना लेंगे इसकी। ये प्लास्टिक की शीट ली है मैंने, आप कोई भी प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, और इस पे मैंने तेल लगा दिया है थोड़ा ताकि पूरी चिपके नहीं, और मैंने चकला इसलिए नहीं लिया है कि उसके ऊपर कभी कभी चिपक जाती है पूरी और उठाते हैं तो टूट जाती है, तो शीट के ऊपर टूटेगी नहीं। और ये कटोरी है, कटोरी के पीछे तेल लगा लिया है थोड़ा मैंने, और बस बेलने की ज़रूरत नहीं है, शीट को थोड़ा बंद करा और इस तरह से कटोरी घुमा ली और एकदम गोल बन जाती है। बिगनर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा टिप है, जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं उनके लिए भी, क्योंकि चकले से उठाने में टूट जाती है पूरी और इससे आसानी से उठाई जाती है। शीट को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और हाथ के ऊपर पूरी आ जाएगी। मैंने कढ़ाई में पूरी डाल दी है और दूसरी पूरी भी बना ली है इसी तरह से।
अगर आप थोड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, और इसको इस तरह से कट कर सकते हैं ताकि गोल शेप आ जाए। ये दूसरी पूरी मैं इस तरह से बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आटा अगर बच जाता है साइड का तो दूसरे आटे में मिक्स कर लेते हैं। इसको धीरे से टर्न कर लेते हैं, ऐसे हाथ में आ जाती है सीधी, और कढ़ाई में डाल देते हैं। ये सिंघाड़े के आटे की पूरी मैंने बनाई है, आप राजगिरी के भी बना सकते हैं और कुट्टू के आटे के भी बना सकते हैं। इसी तरह से आलू मिक्स करके बॉइल्ड, बहुत करारी पूरी बनती है। देखिए फ्रेंड्स, इसको टिश्यू पेपर पे मैंने ले लिया है ताकि इसका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए उसके ऊपर, और फिर मैं इसी तरह से दूसरी पूरी बना लूँगी। ये दूसरी पूरी भी बना ली और धीरे से उसको हाथ में शिफ्ट कर लिया। ये सिंघाड़े के आटे की पूरी बहुत क्रिस्पी बनती है फ्रेंड्स, ये लुक वाइज तो अच्छी है ही, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है। और आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आपको ये पूरी कैसी लगी। इसे आप दही के साथ और आलू की सब्जी जो व्रत में बनाते हैं उसके साथ खा सकते हैं, और आप इसे कभी भी बनाइए, चाहे सुबह के नाश्ते में बनाइए या दिन में जब फलाहार करते हैं जब बनाइए, कभी भी बना सकते हैं आप। और रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नए आए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।